प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक छोटा सा पोयम। पोयम का टाइटल है ऑन द ब्रिज। इसका अर्थ होता है सेतु पर। राइटर हैं कैट ग्रीनवे। अब देर न करते हुए पोयम शुरू करते हैं। इफ आई कुड सी अ लिटिल फिश दैट इज व्हाट आई जस्ट नाउ विस आई वांट टू सी His great round eyes always open in surprise. अब इसका अर्थ निकालते हैं। यदि मैं छोटी सी मछली देख सका तो ऐसा इसलिए कि मैं अभी अभी इच्छा की थी। मैंने अभी अभी तुरंत इच्छा की कि मैं छोटा सा मछली देख पाऊँ। यानी राइटर ब्रिज पर जाते हैं, सेतु पर जाते हैं और इच्छा जाहिर करते हैं कि एक छोटा मछली देखूं तो उन्हें दिखाई देता है। यदि मैं छोटी सी मछली देख सका तो ऐसा इसलिए कि मैं अभी अभी ऐसा इच्छा जाहिर की थी। आई वॉन्ट टू सी हिज ग्रेट राउंड आइज ऑलवेज ओपन इन सरप्राइज। मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी गोल गोल आँखें देख सकूं, जो हमेशा एक सरप्राइज के साथ, एक आश्चर्य के साथ खुलती है। यानी मछली की जो आँख होती है वह देखने में बहुत ही खूबसूरत, और जब भी खुलती है तो बहुत अच्छा लगता है। आगे कह रहा है, आई विश ए वाटर रैट वुड ग्लाइड स्लोली टू द अदर साइड और ए डांसिंग स्पाइडर सिट ऑन द येलो फ्लैक्स ए बीट। आई विश मेरी इच्छा है ए वाटर रैट यानी जलीय चूहा वुड ग्लाइड। ग्लाइड मतलब होता है तैरना या फिसलना। मेरी इच्छा है कि एक जलीय चूहा पानी में फिसले और धीरे 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 करके एक पार से इस पार से उस पार चले जाए और उसका जो नज़ारा है उसे हम देख सकें। और या ए डांसिंग स्पाइडर, जो डांसिंग नाच करते हुए एक जो मकड़ी है वह एक पत्ता, फ्लैक्स मतलब होता है एक जंगली पत्ता होता है, जंगली पौधा होता है, उसका पत्ता, उसका जो पीला पत्ता है उसके ऊपर बैठ करके एक नाचते हुए स्पाइडर पीले पत्ते पर बैठ करके, छोटे से पीले पत्ते पर बैठ करके, और वह नदी में तैरे। तो राइटर अपना इच्छा भी जाहिर कर रहा है, कुछ देख भी रहा है और अपना इच्छा भी जाहिर कर रहा है कि मैं ऐसा देख सकूं। आगे कह रहा है, आई थिंक मैं सोचता हूँ या मेरी इच्छा है, आई शैल गेट सम स्टोन्स टू थ्रो एंड वॉच द प्रेटी सर्किल्स। सो मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ पत्थर ले करके उसे मैं फेंकूँ, पानी में फेंकूँ और उसे देखूँ कि उसका जो सर्किल बनता है, यानी पानी में जो पत्थर फेंकने के बाद उसका जो सर्किल बनते बनते वेव जो बनता है वह किनारे तक जाता है, मैं उसे जो सुंदर सा वेव बनता है वो मैं उसे देखूं। और या सेल वी सेल ए फ्लावर फ्लॉट एंड वॉच इट स्लोली स्लोली फ्लॉट। कह रहा है कि और मैं एक फूल उसमें डालूं और वो फ्लैट करे, वो तैरे। फ्लॉट में तो होता है तैरना। मैं एक फूल उसमें डालूं और वह तैरे और धीरे, मैं उसे देखूं कि वह धीरे 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 करके वह बढ़ रही है। क्या वाकई में बढ़ रही है? दैट्स नाइस, ये तो अच्छा होगा। बिकॉज क्योंकि यू नेवर नो, आप नहीं जानते हैं हाउ फार अवे इट मीन्स टू गो, कि वह कितनी दूरी तक जा सकता है। एंड व्हेन टुमारो कम्स, जब मैं कल आऊं, यू सी आप देखें वहाँ पे, इट मे बी इन द ग्रेट वाइड सी,
ऐसा हो कि वह फूल तैरते 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 वह एक बड़ा सा समुद्र में चला जाए और उसमें भी तैरे। यानी जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर ए राइटर चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वो कुछ देखता है, कुछ नज़ारा और कुछ इच्छा जाहिर करता है कि मैं ऐसा देखूं कि जो मछली तो खुद देख लेता है और चाहता है कि चूहा उसके सामने उस नदी में तैर करके इस पार से उस पार जाए, उसका जो नज़ारा है मैं उसे देखूं। या एक स्पाइडर जो नाचने वाली है वो किसी पत्ते पर चढ़ करके और उसको नृत्य करके दिखावे। या ऐसा हो कि वह फूल यानी स्टोन को फेंके, पत्थर को फेंके और उससे जो वेव बनता है उसे देखें, या फूल तैरावे। तो ये राइटर की इच्छा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।